हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर एक, अगर आपके सफ़ेद कपड़े पीले पड़ चुके हैं तो सफ़ेद नमक, डिटर्जेंट पाउडर और टूथपेस्ट को गर्म पानी में मिक्स कर लें। फिर अपने कपड़ों को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें और साफ कर लें। नंबर दो, स्प्राइट और टूथपेस्ट को मिलाकर अपने सफ़ेद दीवारों पर लगाएं, जहाँ पर आपके बच्चों ने पेंसिल से कलाकारियाँ की हुई है। फिर कपड़े से साफ कर लें। नंबर तीन, यदि आपके काम में अक्सर बाधा आती है तो घर में सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। कपूर जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर चार, अगर घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, ऐसे में घर में रोज शाम के समय कपूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नंबर पाँच, कपूर वास्तु दोष कम करने में बहुत उपयोगी है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर वास्तु दोष वाले स्थान पर रखें। जब कपूर ख़त्म हो जाए तो वहां दोबारा कपूर रख दें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से वास्तु दोष धीरे धीरे दूर हो जाएगा। नंबर छः, चंदन पाउडर को त्वचा पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, साथ ही त्वचा पर निखार आता है। नंबर सात, किडनी स्टोन के रोगियों को अक्सर पालक न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पालक किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। नंबर आठ, रोजाना खजूर खाने से हड्डियां मजबूत बनती है, क्योंकि यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, जो हड्डियों के साथ साथ दांतों को भी मजबूत बनाता है। नंबर नौ, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं। दूध जलेबी का साथ में सेवन करने से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। कई हेल्थी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि दूध जलेबी खाने से मेमोरी पावर बेस्ट किया जा सकता है। नंबर 10, रोजाना नियमित रूप से चेहरे पर दही लगाने से त्वचा में कसाव आता है और यह चेहरे की त्वचा की रंगत को भी निखारता है। नंबर 11, हर वक्त आरो का पानी भी ठीक नहीं है। फिल्टर आरो का पानी जब पानी को साफ करता है तो उसमें मौजूद खनिज तत्व, जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, उन्हें भी बाहर निकाल देता है। अगर आपके इलाके में साफ पानी आता है तो वहाँ फिल्टर और आरो की ज़रूरत नहीं होती। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, सर दुखता है, खून की कमी है, वह हर वक्त आरो का पानी ना पिया करे। ताज़ा पानी और मटके का पानी पी कर देखे, उनका शरीर ठीक रहेगा। नंबर 12, टमाटर को चेहरे पर रगड़ो। कुछ ही दिनों में चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होने लगती है और रंगत भी निखरती है। नंबर 13, पान के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से छाती का कफ दूर होता है और खांसी में भी राहत मिलती है। नंबर 14, 1 किलो चावल में 1 छोटा पैकेट बोरिक एसिड पाउडर मिलाकर रख दे तो कभी भी चावलों में कीड़े नहीं लगेंगे, चाहे 10 साल हो जाए। नंबर 15, बच्चों को यह बुरी आदत है तो उन्हें समझाए। किसी बच्चे का रंग सांवला होता है, किसी के शरीर के अंग में कोई खराबी होती है तो बच्चों को समझाए कि उन्हें उल्टे नाम से ना पुकारा करें। अगर ऐसी शुरुआत बचपन में ही बच्चों को सिखा दी जाए कि किसी को गलत नाम बोलकर मत बोला करो, नाम लेकर बोले, कोई पतला है उसको सूखड़ा कहते हो, कोई मोटा है तो उसको लिफाफा कहते हैं, कोई मोटा कहता है सांवला रंग उसको कालू कहते हैं, तो कृपया ऐसा बातें किसी के दिल को चुभ जाती है तो आप अपने बच्चों को समझाए। यही बात अध्यापिका भी बच्चों को समझाए कि सबको सम्मान से बोले, उनका नाम लेकर बुलाए। नंबर 16, शुगर का बहुत बढ़िया इलाज, 5 बेल के पत्तों में 5 काली मिर्च, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस ले। प्रतिदिन इसकी चटनी को पानी के साथ ले, शुगर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा है वह बथुआ, धनिया, पुदीना, खीरा, मूली, टमाटर, अदरक, प्याज और लस्सी अवश्य पी लिया करें, ताकि अंदर की गर्मी मिट जाएगी। नंबर 17, अगर आपको सफ़र के दौरान उल्टी जैसा मन हो या घबराहट हो
तो आप गाड़ी की विंडो सीट पर बैठे और शीशे पूरे खोल दें और हमेशा आगे की सीट पर ही बैठे, जिससे आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। नंबर 18, चेहरे पर दाने निकलते हो तो चेहरे को गीला करके फिटकरी को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर 10 मिनट तक रगड़े, दाने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 19, अपने पहने हुए कपड़े से कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति का कपड़ा है उस व्यक्ति को हानि होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी काम कर ले उसको कभी यश नहीं होता। अगर किसी को कपड़े पहनने के लिए देने हैं तो सिरके से धोकर दे। नंबर 20, भरवा करेले बनाते समय मसाले में थोड़ा सा गुड़ मिलाने से करेले टेस्टी बनते हैं। नंबर 21, टमाटर को उल्टा करके रखने से टमाटर लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही यह नियम को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।